दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम पे 8 डिजिट बैकअप कोड लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो, यानी मान लीजिए दोस्तों आप अपने आईडी में जब लॉगिन करने जाते हो इंस्टाग्राम पे, तो वहां पर मांगता है 8 डिजिट का बैकअप कोड और आप ये कोड भूल गए हैं, आपको ये कोड पता नहीं है और इसी वजह से आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी में लॉगिन नहीं हो पा रहे हो। अगर दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि अगर वो बैकअप कोड आपसे नहीं मिलता है, अगर वो कोड आपको नहीं मिल पाता है, तो मैं खुद आपको बैकअप कोड ला करके दूंगा और आप अपनी आईडी में लॉग इन करोगे। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देना चाहता हूं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, एंटर ए बैकअप कोड लिखा है, यानी ये एक लड़की के साथ प्रॉब्लम हुआ था, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया और बताया सर मेरे साथ ऐसा इशू हो रहा है, आप इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। फिर गाइज मैंने उस लड़की के अकाउंट को खुद से लिया, मैनेज किया और उसको मैंने बैकअप कोड दे दिया। यहाँ पर गाइज आप देख लीजिए, यहाँ पर उस लड़की ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, फिर मैंने गाइज उसको बैकअप कोड दे दिया और बताया मैंने कि रिसेंट पासवर्ड पर क्लिक करो, आपका ये हो जाएगा प्रोसेस। और लड़की ने जैसे ही यहाँ पर वो प्रोसेस किया, यहाँ पर देखिए ओके थैंक यू भाई, आपकी वजह से मेरी बैकअप मतलब मेरी आईडी आ गई और मैं अपनी आईडी में लॉगिन कर पाई। यानी दोस्तों मेरी वजह से इस लड़की का आईडी वापस आ गया। और दोस्तों ये एक ही नहीं है, मैं इंस्टाग्राम पे हर दिन बहुत सारे लड़कों का या फिर लड़कियों का अगर इंस्टाग्राम हैक हो जाता है या फिर लॉगिन नहीं कर पाते हैं तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये एक लड़की का इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे देख लीजिए ये एक लड़की का इंस्टाग्राम आईडी है, ये देख लीजिए फिर से एक और लड़की का, ये सभी लड़कियों का मैंने आईडी लाया है, हैक हो गया। तो ये देख लीजिए एक और लड़की है, इसका भी देखिए थैंक यू सो मच भैया आपके पास अकाउंट आ गया, यहाँ पे देख लीजिए थैंक यू सर आपकी मतलब ट्रिक से मेरी आईडी वापस आ गई। तो आप दोस्तों देखिए और भी यहाँ पर ट्रिक है, मैं यहाँ पे इधर भी कर देता हूँ, देखिए इनका भी आईडी हो गया, सर आप भगवान हो आपकी वजह से मेरी आईडी वापस आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत मुश्किल से थैंक यू आपकी आपकी ट्रिक से मेरी आईडी वापस आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा आईडी वापस आ गया। तो दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे इस प्रॉब्लम ये बैकअप कोड को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो, अपनी आईडी में लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो से आपको 100% सॉल्यूशन मिलने वाला है। एंड इसके बाद मान लीजिए अगर आपसे नहीं होगा ना, तो मैं आपका आईडी वापस ला के दूंगा, लेकिन उसके पहले आप इस वीडियो में जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, आपको बैकअप कोड मिल जाएगा और आप अपनी आईडी में लॉगिन कर, ठीक है। करें वीडियो स्टार्ट, उसके पहले मेरे भाई आप इस वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार चैनल पे आए तो टेक्निकल सुजीत जी को सब्सक्राइब। सबसे पहले आपको बैकअप कोड चाहिए, ठीक है, बैकअप कोड। और आप अपने मोबाइल का सारा सेटिंग देख लिए, कहीं पर भी बैकअप कोड नहीं मिल पा रहा है, आप लॉग इन नहीं कर पा रहे हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, ध्यान दीजिए। पहला जो तरीका बताऊंगा उससे आपका आईडी 100% आ जाएगा, एंड अगर उसके बाद भी नहीं आता है तब जाकर दूसरा तरीका आपको इस्तेमाल करना है, जहां पर आपको 100% हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये वीडियो 8 से 10 मिनट का होगा, वीडियो को पूरा देखना, ओके। सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, आपको अपने आईडी में लॉगिन करने के लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, आपको सर्च में जाना है और यहाँ पर जाकर सर्च करना है आई कांट लॉग इन इंस्टाग्राम, ठीक है, आई कांट लॉग इन इंस्टाग्राम। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं आई कांट लॉग इन इंस्टाग्राम, ओके। जब आप ये सर्च करोगे तो पहला नंबर का आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा आई कांट लॉग इन, तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा, ओके। जब दोस्तों आप इस पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कैसा पेज आएगा, अब थोड़ा आप नीचे आना, ठीक है। यहाँ पर आपको एक देखना, एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इफ यू थिंक दैट योर इंस्टाग्राम अकाउंट हैज बीन हैक्ड, देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जब इस पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ब्लू कलर का मिलेगा विजिट दिस पेज, देख सकते हैं आप विजिट दिस पेज लिखा हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना। अब दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको प्रोसेस ध्यान से देखना है, तभी जाकर आपका आईडी वापस आएगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिखा है माई अकाउंट वॉज हैकड, आप इस पर टिक लगा देना और नेक्स्ट पे क्लिक करना, ओके। अब उसके बाद गाइस यहाँ पर बोल रहा है यूजर ने, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आपका इंस्टाग्राम आईडी है जिसमें आप लॉगिन करना चाहते हो, उस आईडी का यूजर नेम आपको यहाँ पे डाल देना। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका आईडी हैक हो जाता है, कोई किसी ने हैक कर लिया और हैक करके अगर उसने आपकी आईडी का यूजर नेम बदल दिया, तो जो वो नया यूजर नेम रखेगा आपको वही यूजर नेम यहाँ पे डालना है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपको यहाँ पर आप
अपनी आईडी का यूजर नेम डालना पड़ेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे गाइस मान लीजिए मैं एक फेक मेरा एक आईडी है, मैं उसका यूजर नेम डाल देता हूँ। जैसे गाइस आप यहाँ पे देखिए, ये मेरा एक फेक आईडी है, उसका मैंने यूजर नेम डाल दिया। आप अपनी आईडी का यूजर नेम डाल दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करेगा, वो आईडी देखने को मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा आईडी है जो कि मैंने, मतलब कि ये मेरा फेक आईडी है। अब इस आईडी में ये वाला मोबाइल नंबर लिखा है जिसमें लास्ट में 98 है, या फिर ये जीमेल आईडी कनेक्ट है, या फिर ये मोबाइल नंबर कनेक्ट है। अगर इन तीनों में किसी का भी एक्सेस आपके पास है तो आप उसके सामने टिक लगा करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर या फिर आपके जीमेल आईडी ओटीपी आएगा और आप अपनी आईडी को लॉगिन कर लोगे। ओके, यहाँ पर आप ध्यान देख लीजिएगा कि ये तीनों में पीसी का भी एक्सेस आपके पास है या फिर नहीं है। बट इसके बाद भी इन तीनों में मान लीजिए ये सभी चेंज हो गया है और आपके पास कोई एक्सेस नहीं है, तो आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पर आपको ट्राई अनदर वे नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप ट्राई अनदर वे पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप ट्राई अनदर वे पे क्लिक करोगे, फिर से आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा यस और एक मिलेगा नो। आपने अपनी इंस्टाग्राम आईडी में अपने चेहरा का फोटो या फिर वीडियो पोस्ट किया है या नहीं किया है, अगर पोस्ट किया है तो यस कीजिएगा और नहीं पोस्ट किया है तो नो कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर पोस्ट किए हो तो थोड़ा जल्दी रिकवर हो जाता है, समझे बात को। तो यहाँ पर हम यस लगा देते हैं एंड उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, एक ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। उस ईमेल आईडी पर इंस्टाग्राम आपको एक ओटीपी भेजेगा, तो यहाँ पर ऐसा ईमेल आईडी डालिएगा जो आपके मोबाइल नंबर, मतलब आपके मोबाइल में लॉगिन हो, ठीक है। कोई भी एक ईमेल आईडी डालना, लेकिन वो आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, अब आपको यहाँ पर सबमिट लिखा है, सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, इस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। तो आप मेरा ईमेल आईडी मत डालना, आप अपने मोबाइल में जो ईमेल आईडी लॉगिन है वो ईमेल आईडी डालना। अब इस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चला गया तो आप बैक आइएगा और अपने मोबाइल का ये जीमेल जो ऐप होता है, गूगल जीमेल, आप इसको ओपन कीजिएगा। उसके बाद गाइस यहाँ मैंने ओपन किया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ मुझे कोड आया कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखा हुआ एक ओटीपी है, मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों देखिए मुझे एक कोड मिला है 6 डिजिट का, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने दोस्तों आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे जाना है और वही ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई करके, यहाँ पर कन्फर्म लिखा है, कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अब ये बात दोस्तों आपको क्या करना है, लेफ्ट बोलेगा तो लेफ्ट कीजिएगा, राइट बोलेगा तो राइट और अप बोलेगा तो अप, और अपना जो सेल्फी वीडियो है उसको इंस्टाग्राम की टीम के पास सबमिट कर दीजिएगा और 72 घंटे तक आप इंतजार कीजिएगा। 72 घंटे के अंदर आपके जीमेल आईडी पे एक मेल आएगा, रिसेंट पासवर्ड करके, जैसा कि पासवर्ड लिखा हुआ कुछ ऐसा मेल आएगा, जो कि मैंने जब इस लड़की का किया था आईडी रिकवर, तो ये मेल आएगा और रिसेंट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपने आईडी का पासवर्ड चेंज कर लोगे और फिर से आप लॉग इन कर सकते, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया पहला तरीका। अगर मान लीजिए दोस्तों आपने पहला तरीका यूज कर लिया एंड इसके बाद भी आपकी आईडी रिकवर नहीं होती, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तब आपको करना है दूसरा तरीका फॉलो, और ये तरीका 100% गारंटी है कि काम करेगा, यहाँ पर आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाकर के ट्विटर लिखिएगा, ट्विटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप ट्विटर लिखोगे तो कुछ ऐसा एप्लीकेशन आएगा, एक नाम से आप देखिए, एक नाम से कुछ ऐसा एप्लीकेशन आएगा, यही है ट्विटर, आप इसी को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सर्च पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ ऊपर आपको एक सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, सर्च पे जाएगा और यहाँ पर सर्च कीजिएगा इंस्टाग्राम, क्या सर्च करना है, इंस्टाग्राम। जब आप इंस्टाग्राम सर्च करोगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट आ जाएगा, जहाँ पर देखिए 32 मिलियन इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, ये इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक नीचे देखिए एक प्लस का आइकन मिलेगा, यहाँ पे देखिए प्लस का एक आइकन आपको मिल रहा है, ये वाला, आप प्लस वाले आइकन पे दोस्तों क्लिक कीजिएगा और यहाँ पोस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, पोस्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हो गया इंस्टाग्राम से कॉन्टेक्ट करना, मतलब आपका जो भी प्रॉब्लम है आप अपना प्रॉब्लम यहाँ पर लिख करके पोस्ट कर दीजिए, ये इंस्टाग्राम की टीम के पास जाएगा और आपको हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना प्रॉब्लम बताना है, लेकिन जितना अच्छे से आप अपना प्रॉब्लम बताओगे उतना जल्दी आपका आईडी वापस आ जाएगा और अपनी आईडी में लॉगिन कर पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने पहले से एक आर्टिकल लिख करके रखा है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये दोस्तों मैंने एक आर्टिकल लिख करके रखा है, डियर इंस्टाग्राम टीम प्लीज हेल्प, आई एम लॉग आउट ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी बट अगेंस्ट आई लॉग इन, बैकअप कोड का प्रॉब्लम, मतलब ऐसा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों इसी को आपको कॉपी करना है, ट्विटर पे जाना है और सेम यही दोस्तों आपको लिख करके यहाँ पे पेस्ट कर देना।
अब दोस्तों मान लीजिए आपको ये आर्टिकल कैसे मिलेगा, ये आपको कैसे मिलेगा, तो इसको दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर इसी आर्टिकल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर क्लिक करते ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे और वहां पर दोस्तों आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा, जिसको आप कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस यहां ऊपर आपको एक पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उसके पहले देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, और यहां पर मैंने लिखा हुआ है माय आईडी यूजर नेम, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसके आगे आपकी इंस्टाग्राम आईडी का जो भी यूजर नेम होगा, जो भी यूजर नेम वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक्स वाई जेड जो भी आपका यूजर नेम होगा आपकी इंस्टाग्राम आईडी का वो लिख दीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ ऊपर आपको पोस्ट करने का ब्लू कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप पोस्ट पे क्लिक करके इसको पोस्ट कर दीजिएगा। तो आपका प्रॉब्लम क्या होगा, इंस्टाग्राम की टीम के पास चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पोस्ट लिखा है, पोस्ट पे क्लिक करते हैं, चला गया यहाँ पे, देखिए योर ट्वीट वाज सेंट। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि फिर से 24 घंटा इंतजार करना है, 24 घंटा के अंदर ही इंस्टाग्राम टीम आपको मैसेज करेगी, ट्विटर का मतलब आपका मैसेज का रिप्लाई करेगी। आपको अपना ट्विटर ओपन करना है, उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम टीम भेजेगी, बताएगी क्या प्रॉब्लम है, आपको आगे क्या करना है, ठीक है। तो आपको 24 घंटा इंतजार करना है, लेकिन इन दोनों के बाद भी अगर आपकी आईडी लॉगिन नहीं होती है और आप भी फिर भी परेशान हो, तब वहां पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप इंस्टाग्राम ओपन करना, और ये है टेक्निकल स्विच, यहाँ पर आप मुझे पहले फॉलो कर लेना, ध्यान दीजिए पहले फॉलो करना है, उसके बाद आप मैसेज कीजिएगा तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। रिप्लाई आपको थोड़ा लेट से भी मिल सकता है, क्योंकि काफी सारे लोग का मैसेज हमेशा आते रहते हैं, तो आप वेट कीजिएगा, बट आपको यहाँ पे 100% मैं सॉल्यूशन दूंगा। अभी देखिए मैंने स्टोरी भी लगाया है, मैंने एक आईडी लड़की का इंस्टाग्राम आईडी वापस लाया, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि लड़की का इंस्टाग्राम आईडी ला दिया मैंने, तो वो भी मैं हमेशा लाते रहता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो मिलते हैं आप सभी से, तब तक धन्यवाद, देखते रहे मेरे चैनल टेक्निकल स्विच चैनल।